तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल तबीज मलिक। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। मेरे सामने जो शख्स बैठे हुए हैं ये हमारे प्रमोद जी हैं और इनके बारे में थोड़ी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि जब वक्त आपका साथ देना तो उसको पूरी तरह से पकड़ लो, क्योंकि कहते हैं कि एक समय ऐसी चीज़ है जो गया तो फिर वापस नहीं आता। जैसा कहते हैं कि मौत आना है आना है, समय को जाना है तो जाना है, फिर वापस वो लौट के नहीं आएगा। तो एक लाइव एग्जांपल के तौर पे प्रमोद जी बैठे हैं हमारे। ये सऊदी में काम करते थे शेफ में और इन्होंने हमें कांटेक्ट किया, और आई थिंक ये बात एक से डेढ़ साल पुरानी है जब प्रमोद जी ने हमें कांटेक्ट किया, हमारी टीम को कांटेक्ट किया, और इन्होंने बोला कि तबरेज़ भाई हमें जाना है यूरोप में माल्टा। उस टाइम सिचुएशन सही नहीं था सऊदी का, और सऊदी से वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम थे। मैंने इनको क्लियर कर दिया कि सऊदी से चांस नहीं, तो इन्होंने बोला कि सर जब वर्क परमिट आ जाएगा तो हम इंडिया जाके एप्लीकेशन करेंगे। वहाँ से जंग शुरू चलती है, वहाँ से सिलसिला शुरू होता है एक लंबे समय का, क्योंकि आई थिंक काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया हमें सारी चीज़ों में। और लेकिन अक्सर मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि कानून के रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनके काम करने के तरीके, उनके लॉ चेंज करने का जो भी कॉन्सेप्ट है उसमें हमारा कोई हाथ नहीं होता। हमारा हाथ होता है कि हम सही तरीके से आपके फाइल को एक रिप्रेजेंट करें गवर्नमेंट के सामने, एक VFS ग्लोबल के पास या माल्टा अथॉरिटी के पास, उसके लिए हमारे इसमें हाथ नहीं होता है। तो प्रमोद जी मैं जानना चाहूँगा कुछ आपके बारे में, उसके बाद थोड़े लोगों को कॉन्सेप्ट समझाएंगे। तो कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं आप, कैसे, थोड़ी सी जानना चाहेंगे हम आपके बारे में। वेलकम भाई तबरेज मलिक यूट्यूब चैनल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो मेरे को आपने YouTube चैनल में यहाँ पे इंट्रो के लिए बुलाया। मेरा नाम प्रमोद चंद्र है, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। उत्तराखंड आपको पता ही है, ये बहुत खूबसूरत, वहाँ देवों की भूमि बोला जाता है। जी जी बेशक। और मैं इससे पहले सऊदी अरब में था, एक्चुअली मैं सऊदी अरब में सेफ के पोजीशन में था पहले, शेफ में पोजीशन में, एक पेस्ट्री शेफ में। हाँ पेस्ट्री शेफ है, पेस्ट्री शेफ। हाँ तो आप किस किस चीज़ का बनाते हैं, क्या बनाते हैं एक्चुअली? मैं ब्रेड से लेके केक पेस्ट्री से लेके डेकोरेशन से लेके बड़े बड़े केक डिजाइन से लेके सारे कुछ करता हूँ। एक्चुअली मेरे को 8-10 साल हो गया इस, हाँ जी 8-10 साल हो गया इस लाइन में। तो मैं पहले इंडिया में भी बहुत काम कर चुका हूँ, जैसे चंडीगढ़ में काम कर चुका हूँ। अच्छा, चंडीगढ़ में काम किया, मेरी जो जर्नी हुई है चंडीगढ़ से हुई है। अच्छा, चंडीगढ़ मैंने काम किया, और उसके बाद मैं फिर एक आध साल मैंने होटल में भी किया। उसके बाद मैं गल्फ में चले गया, गल्फ में 2016 में गया था, सऊदी में। सऊदी में, अच्छा। और गल्फ में एक ही कंपनी पकड़ी और उसी में से मेरे 5-6 साल निकल गए। अच्छा। और एक्चुअली मैं पहले कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू था, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू के बाद मैं कंपनी ने फिर मेरे को अपना वीजा दिया। जी, कंपनी का वीजा दिया सऊदी वाले। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें मेरे दो चक्कर लगे एक्चुअली। मैंने एक बार ये लॉकडाउन से पहले मैंने रिजाइन दे दिया था। रिजाइन देने के बाद फिर मैं दोबारा एंट्री किया, तो वहाँ पे मेरा कम्युनिकेशन जो, तो वहाँ पे आपकी ये दिरहम या रियाल में सैलरी कितनी थी? मेरी स्टार्टिंग जो रियाल थी वहाँ पे 2100 रियाल, 2100 रहना खाना कंपनी का, सब कंपनी का था। ओके। उसके बाद मेरी अभी फिलहाल 3000 हो चुकी थी। हो चुकी। तो माल्टा या यूरोप, ये आपके मन में कब आया और कब आपने जाना इस कंट्री के बारे में, कैसे आपने सर्च किया, क्या क्या चीज़ें हम जाना चाहेंगे? एक्चुअली ऐसा हुआ कि गल्फ में मेरे को 5-6 साल हो गया था, तो पैसा तो कमा ही रहा था, पैसे का कोई वो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैंने कहा लाइफ में अगर यहाँ पैसा कमाना है उसके बाद 60 ईयर के बाद तो चले जाना है। उसके बाद मैंने ऐसे यूट्यूब चैनल में मैं सर्च मारता रहता था। फिर एक्चुअली आपका एक, पहले आप फेसबुक से थ्रू या यूट्यूब में पहले स्टार्टिंग में ही थे शायद, जी जी जी, फर्स्ट टाइम देखा आपको। जी। तो आपने यूट्यूब में बहुत से, आपके एक चैनल नहीं देखा मैंने, बहुत चैनल देखे पहले। हाँ, तो ट्रैवल्स बहुत कुछ किया हुआ था। फिर तो मैंने, आपने भी कॉन्टेक्ट के लिए पहले अपने सारे कुछ आईडी में दिया था आपने, वैसे इंस्टाग्राम। हाँ जी, जी पहले आप गाइड करते थे आपने। हाँ, मैं काम नहीं करता। हाँ जी, काम नहीं करते थे आप। तो आपने मतलब जो रास्ता बताया कि ऐसा ऐसा करो, आप जा सकते हो, वहाँ से भी जा सकते हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप कर सकते हो ये काम। तो मैंने कहा क्यों ना मैं ऐसे एक बार ट्राई करूँ, ट्राई करता हूँ। मैंने ट्राई किया और मैंने आपका नंबर लेने के लिए सोचा कि यूट्यूब से कैसे नंबर लूँ, आपका कैसे नंबर लूँ। एक्चुअली आप पहले नंबर देते नहीं थे। हाँ। तो मैंने आपको सब्सक्राइब करने के बाद आपका उसमें भी मैसेज किया हुआ था यूट्यूब में। हाँ। यूट्यूब में मैसेज करने के बाद आपका एक बार रिप्लाई आया, फिर आपने कॉन्टैक्ट नंबर, आपसे कॉन्टैक्ट किया। फिर मैंने, आपने मेरे को जितने भी जो भी गाइडेंस थी वहाँ के बारे में कि माल्टा अगर जाना है तो आपकी अपॉर्चुनिटी, आप जा सकते हैं,
बट आप यहाँ से नहीं जा सकते, आपको अप्लाई कर सकते हो, आप दोबारा कम बैक इंडिया आना पड़ेगा जी। हाँ तो आपने ये बोला था, आपने मेरे को टाइम टेबल बताया था कि टाइम लगता है ज़रूर, तो मैंने कहा चलो ऐसा है तो कोई बात नहीं, मैं तो अभी मेरी जॉब है। आपकी जो इंटरव्यू हुई थी माल्टा के कंपनी के साथ, तो उसमें क्या सवाल पूछा गया था आपको? एक्चुअली मेरे से ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे, एक्चुअली मैं जिस समय इंटरव्यू लिया था मैं उस समय ड्यूटी में ही था। मैं ड्यूटी से अपने रूम पे आ चुका था, मेरी जो वर्दी थी यूनिफॉर्म थे सारी में, उसमें मेरे से बस यही पूछा था कि नाम पूछा था और आप क्या करते हो और आपका एक्सपीरियंस क्या है, बस अबाउट योर सेल्फ पूछा था। बाकी मैंने अब उसके बारे में सारा कुछ बता दिया था थोड़ा सा, और बाकी जॉब एक्सपीरियंस के बारे में क्या क्या बनाते हुए पूछा, बस बाकी कुछ नहीं पूछा। क्या कहना चाहेंगे तबरेज़ मिली कंसल्टेंसी के बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी, अगर आपको कहीं भी क्रोशिया हो या रोमानिया हो या पुर्तगाल हो या इधर माल्टा हो, आप कॉन्टेक्ट कीजिए। और क्या भरोसा किया? भरोसा बहुत है क्योंकि इतना गारंटी दे सकता हूँ, यहाँ की बात यहाँ क्या होगा वो पता नहीं, लेकिन इतना गारंटी दे सकता हूँ कि आपको वीज़ा लगा के देंगे, आपके जितने भी फाइल हैं जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रिपेयर करके अच्छी तरह से देंगे। और दूसरी कंट्री का बात है, कंट्री में क्या रूल रेगुलेशन चेंज हो जाता है वो किसी के हाथ में नहीं है, और इतना पता है कि आप ट्रस्ट कीजिए। क्या बोलना चाहेंगे हमारे यंग लोगों को? आप, मैं यंग भाइयों को यही बोलना चाहता हूँ कि एक बार आप यूरोप में ट्राई कीजिए, अगर आपकी आप 20 से 24 साल के अंदर हो तो आप प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए, और अभी से अगर आप चले जा सकते हो बाहर, अगर यूरोप के लिए आपने अपना ड्रीम है तो आप पूरा कर सकते हो, आप कांटेक्ट कीजिए तबरेज़ मलिक भाई को, ये आपको सब गाइडेंस और आपको सब कुछ एडवाइस देंगे और आपका ड्रीम सक्सेसफुल होगा। एक शेफ बनने के लिए क्या 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 करना चाहिए एक आम बंदे को शुरुआत में? अब ये है कि एक्चुअली आपको अगर HM किया होता है, HM करो, उसके बाद आपकी कोई होटल और अच्छा सा अच्छे होटल में अपना काम करके अपना एक्सपीरियंस लो पहले। एक्सपीरियंस लेने के बाद आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और जो भी है तो हल्का फुल्का तो होना ही चाहिए, बगैर कम्युनिकेशन स्किल्स तो कोई वो नहीं है, नहीं होगा। और आपका काम में, आपके काम में हाथ में आपके हुनर होना ज़रूरी है, ये नहीं कि बोल के, यहाँ पे कुछ जगह ऐसी होती है हम बोल के भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपका हुनर भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हुनर दिखाओगे तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो आप अगर किसी लाइन में भी हो तो आप अपना हुनर और थोड़ा सा कम्युनिकेशन जो बोल चाल है, थोड़ा इंग्लिश वगैरह वो चीज़ नॉर्मल होना ही चाहिए, और आप कॉन्टैक्ट कीजिए मलिक भाई को, और ज़रूर आपका जो ड्रीम है ज़रूर सक्सेस होगा। तो ये थे हमारे प्रमोद जी, और एक शेफ थे, पेस्ट्री शेफ थे। पेस्ट्री शेफ कैसे बनना है, कैसे पहुँचे, क्या क्या था, मुझे लगता है काफ़ी एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर कर दिया और बताया भी उन्होंने। तो दोस्तों फिर से बोलना चाहूँगा कि भरोसा रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, सब्र रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंतज़ार करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक दिन आपका सपना भी पूरा होगा तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9988335 पे, या visasmiric@gmail.com पे, या मेरे दिल्ली का नंबर 9992385 पे, या दुबई का नंबर +97156493584। एक बार और बोलना चाहता हूँ मैं कि अगर आप कहीं पर, आपका ड्रीम यूरोप में है, तो आप ये मत सोचिए कि काम आज मैंने फाइल दिया है, कल आप फ़ोन करने लग जाओ मेरा डॉक्यूमेंट्स का क्या हुआ। अक्सर लोग करते ऐसे हैं, एक महीने के बाद पूछने लग जाते हैं। इस चीज़ में आपको सफ़र करना ज़रूरी है। अगर आपने यूरोप का आपका ड्रीम है तो आप ये मान के चलो 8 से 9 महीने या 5 से ऊपर का अपना टाइम मान के चलो कि आपका ड्रीम है तो आपको जाना है, तो आपको सब्र करना ज़रूरी है। यहाँ पे सब्र बहुत, ये नहीं कि आपको एक महीने में आप फ़ोन करने लग जाओ कि यहाँ पे काम नहीं हुआ। काम होगा ज़रूर, लेकिन टाइम ज़रूर लगता है यहाँ पे यूरोप में। पहुँच गए हम, मुझे लगता है आपको भी कम से कम एक साल हुआ। मेरे को भी एक साल हो ही गया, हो ही गया एक साल। तो दोस्तों ये थे प्रमोद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर करना। तबरेज़ मलिक दिल से सबको शॉर्ट करता है दोस्तों। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।